वाह, लड़की हो तो ऐसी हो, नहीं तो काम चलाने के लिए तो तुम्हारा माल भी काफी है। अबे इसमें मेरी वाली कहाँ से आ गई? ऐसा ही बोल रहे थे, देखना लड़की कितना खूबसूरत है। अबे ज्यादा मत देखो उसको, वो मुन्ना भैया की है। अरे यार मुन्ना भैया का हो या किसी भैया का, जब लंडियाबाजी कर रहा तो मुन्ना भैया को क्या देखना। अबे गुड्डू यार तू बात समझ, स्वीटी को छोड़ दे, उससे बेहतर तुमको मिल जाएगा, चल देखते हैं। नहीं भाई अब तो हम स्वीटी को ही लेने दें, क्योंकि चार को लड़की देख चुके हैं, उसमें से एक ही स्वीटी हमको बेस्ट ऑप्शन लगी है। चलो अब लंडियाबाजी करते हैं। हेलो बेबी, हम तुमको थोड़ा देर में कॉल करते हैं। हेलो मुन्ना भैया, आप कहाँ? कॉलेज में दो लड़का स्वीटी भाभी को लाइन मार रहा है, आप जल्दी आइए। यही दुनिया है मुन्ना भैया। देखो बेटा, तुम लोग जिस फूल को पाने की कोशिश कर रहे हो ना, उस फूल की सारी खुशबू हमारे शरीर के अंदर आ चुकी है, सुधर जाओ वरना पीटे जाओगे। अरे गुड्डू भैया ऐसा कुछ नहीं, स्वीटी भाभी इतना खूबसूरत ही है ना कि गुड्डू के मुंह से कुछ निकल गया, हम गुड्डू को समझा देंगे, आप जाइए। बताओ ललित, बबलू इतना समझदार बन गया है कि स्वीटी को भाभी बोल रहा है और हमको भैया। अच्छा गुड गुड, गुड्डू बबलू चलो हम तुमको चाय पिलाते हैं, क्योंकि तुम अब हमारे कंपटीटर बन गए हो, चलो। ओ भैया तीन चाय दीजिएगा एकदम कड़क। मुन्ना भैया। हाँ ललित। तीन चाय जो बोले हैं हम नहीं पियेंगे, चार चाय बोलिए ना। अब भैया चार चाय कर दीजिएगा। भैया थोड़ा चाय में चीनी कम डालिएगा वरना मिठास बढ़ जाएगी। लो गुड्डू बबलू चाय पियो। चाय पियो चाय पियो, क्योंकि दोस्ती की शुरुआत चाय से ही होती है। तुम एक नंबर के चूतिए हो यार मुन्ना। अरे रुको यार बबलू, को हम सुने कि लड़की जब तक कुमारी है ना तुम्हारी है ना हमारी है, मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलट जाएगा। चाय में चीनी थोड़ा डालो या ज्यादा, लेकिन चाय तो होता है जहरीला ही ना। साले हम जहरीले हैं, तुमको दोस्ती करने के लिए ऑप्शन दे रहे थे साले मादरचोद। माँ का गाली काहे दे रहे हो मुन्ना भैया? ये हमारा इलाका है भोसरी के, हम माँ का गाली दे या बहन का गाली दे, मादरचोद। गुड्डू भैया इसे छोड़ दो, ये कालीन भैया का बेटा है। कालीन भैया का बेटा हो या किसी भैया का बेटा, गाली देने वाले को मारा जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। अरे गुड्डू भैया इसे इतना मत मारो, ये मर जाएगा, छोड़ दो। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया आप ठीक है? बहन चोद किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी माँ बहन एक कर दूंगा। चोद किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे से बड़ा कोई नहीं लौंडियाबाज बन सकता है पूरा मिर्जापुर में। ओ मुन्ना भैया, उनकी माँ आपको दादी लगेगी और उनकी बहन आपको फूआ, सही बोले ना कालीन भैया? तुम ही बचाए थे मुन्ना को, बहुत अच्छा काम किया। क्या नाम है तुम्हारा? बटुकनाथ गाड़, ओ सॉरी गौड़। इसीलिए कॉलेज जाती हो झगड़ा लड़ाई करने के लिए? क्यों मारा तुमको गुड्डू बाबू? अरे पापा जी आप एक मौका दे दीजिए, उसके बाद हम अपने हाथ से मारेंगे गुड्डू बबलू को। लौंडियाबाजी का इतना बड़ा साम्राज्य शुरू की मिर्जापुर ताकि तुम्हारे लिए ओयो का फ्रेंचाइज खोल सके, लेकिन नहीं, तुमको तो झगड़ा लड़ाई करना है, लौंडियाबाजी करना है कॉलेज में। क्या बात है जी? गुड्डू बबलू आया। मकबूल कहाँ है गुड्डू बबलू, बताओ हमको। रुको, वो हमारे घर में मेहमान बनकर आया। नहीं पापा जी हमको जाने दीजिए। मुन्ना शांत रहो, मकबूल तो हमारे साथ चलो, तुम पीछे से आना, चलो मकबूल। तुमको पता था मुन्ना हमारा लड़का है? जी भैया जी हमें पता था, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी अगर आप हमारे जगह पे होते ना तो आप भी यही करते जो हमने किया है। भैया जी कोई हमको गाली देगा या किसी के सामने हमको बेइज्जती करेगा तो उसको हम मारेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, वो फिर करेगा हम फिर उसको मारेंगे। साले हमको मारोगे?
नहीं डर होता है तो। भैया जी मकबूल मुन्ना पूरा मिर्जापुर की लौंडियां हमारे कंट्रोल में। मुन्ना भैया लड़कियां उसके कंट्रोल में होती है जो उसे पटाया होता है। अरे वो मुन्ना छोड़ो उसे। हर बार बचा पाओगे खुद को अगर अगली बार तुम्हें मुन्ना मारने पहुंचे और मारना हो तो। अगली बार मुझे मुन्ना भैया मारने आए और सोचिए वो घर ही ना लौटा तो। रिक्स तो यहाँ भी है ना कालीन भैया। भैया बैठो छोटू भाई। भाई जी हम सॉरी मांग रहे हैं। एक नंबर के बेसुध चुती हो तुम। हमारे लड़के बिना हमसे पूछे किसी लड़की को लाइन नहीं देता है। वैसे भी वो लड़की भी हमको लाइन मार रही थी कालीन भैया। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हम भैया जी से बात कर रहे हैं ना। कालीन भैया वैसे जिस लड़की को गुड्डू लाइन दिया ना वो पूरे नियम और कायदे से दिया था और पूरे कॉलेज में गुड्डू का तारीफ हो रहा था भैया जी। मुद्दा ये नहीं है कि तुमने सही तरीके से लाइन दी, मुद्दा ये है कि तुमने बिना पूछे डिसीजन लिया। हम सॉरी मांग रहे हैं भैया जी। भैया जी इसको हम बोल रहे थे कि मुन्ना भैया का प्यार है, इसको लेन मत दो। अबे बबलू यार फिर से तुम वही लिपापोटी कर रहे हो। और कालीन भैया हम आपसे लौंडियाबाजी का टिप्स लिए थे और आप ही बोले थे अगर कोई लड़की सामने से लेन मारे तो उसे छोड़ना मत। और आप ही बताइए उस समय हम उसको लेन मारते या आपका प्रोटोकॉल फॉलो करते? वैसे भी लौंडियाबाजी का जो आप इतना टिप्स दे रहे हैं तो हर किसी को लेन मारने से पहले आपसे पूछना जरूरी नहीं है। चार गो लड़की में से जो ऑप्शन हमको सही लगा उसको हम लेन दिए। हमको क्या पता कि आपका लौंडा का वो प्यार है। हाँ लौंडियाबाजी है, हर कोई किसी भी लौंडिया को लाइन मार सकता है। देखो कालीन भी एग्री कर रहा है कि किसी भी लड़की को लाइन मारने से पहले पूछना जरूरी नहीं है। कालीन भैया हम सब जा रहे हैं। ठीक है जाओ। ओ दुकानदार भैया देखिए तो ये बहनचो को लगता बाबा सिर हो गया। अच्छा ठीक है बैठिए हम देखते हैं। अबे यही कह रहे हैं तुमसे कि लौंडियाबाज आदमी आदमी नहीं बल्कि चुतिया होता है। बे चुतिया चाहे तुम कितना अच्छा क्यों ना हो अगर एक बार लौंडियाबाजी में घुस गए ना तो तुम्हारा मारा ही जाता है। और वैसे भी साला लौंडियाबाजी के चक्कर में पढ़ाई का सब बर्बाद कर ही चुके हैं। एकदम सही बात बोल रहे हैं भैया। हम भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने कॉलेज गए थे, साला वहाँ इतना सुंदर सुंदर लड़की देखे कि हमसे रहा नहीं गया और हम भी लौंडियाबाजी करने लगे। साला जिंदगी ही बर्बाद है, न ढंग से लौंडियाबाजी कर पाए न मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद सोचे घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो सोचे पकौड़ा बेचने से अच्छा है कि अपने ही लाइन का कुछ काम कर लिया जाए और आप लोग के दुआ से आज ये कर रहे हैं। अच्छा ठीक है पैसा बताओ कितना हुआ, अपना दुख की कहानी सुनाकर हमको डिप्रेशन में मत डालो। लीजिए भैया। बेटा नीचे उतरो, थोड़ा बात विचार करना है, नीचे उतरो। ललित थोड़ा बात करते हैं आज इससे। भैया जी क्या हुआ हमसे? लगता है तुमको दिन डोज दिए जो अभी तक तुम भूला नहीं है। क्या भाई तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? जलवा दिखाएं हम अपना। ललित स्टार्ट करें भैया, बहुत कर देर हो गया। कर दो बाबू, तुम दोनों में तुम बहुत समझदार हो। चलो तुमको हम अच्छे से समझाते हैं। ललित मारो उसको। हाँ भैया जी हम देख रहे थे। ए आओ इधर आओ। अब बताओ क्या करें हम तुमको? तुम नहीं अब हम करेंगे। चले हमको
ऐसा ही तड़पोगे तुम भी, समझ जाओ। बताओ और करोगे लौंडियाबाजी, ऐसे ही मारे जाओगे, नहीं सुधरोगे तो। मुन्ना भैया कुछ भैया को छोड़ दीजिए, मुन्ना भैया मुन्ना भैया को छोड़कर को मार दीजिए, मुन्ना भैया प्लीज। नहीं मुन्ना तुम बबलू को छोड़ दो, हमको मार दो। नहीं मुन्ना हमको मार दो तुम। अरे मुन्ना उसको छोड़ दो भैया, मुन्ना बबलू को छोड़ दो। मरते मरते दोस्ती नहीं तोड़ेगा लग रहा। हाँ ललित, यहाँ पर तो अपने दोनों फैमिली से देखने आए हैं ना, इनको पता नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। भैया हेड टेल कर, किसको मारना है पहले? ललित हेड भी मेरा है और टेल भी मेरा है, और मुझको किंग ऑफ मिर्जापुर बनना है। लड़कियां पटाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो, दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो, शादी ब्याह करो, फैमिली बनाओ। मुन्ना मुन्ना मत मार, मत मारो, समझ पा रहा? मुन्ना मुन्ना समझ पा, मत मुन्ना मुन्ना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुन्ना मुन्ना। अरे गुड्डू बाबू, हम आपके आँख खुलने का इंतजार कर रहे थे, कब आप आँख खुलिएगा, क्योंकि आपको लाइव शो दिखाना है ना।